एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज शोभा। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ टीम लीडर इन रिक्रूटमेंट फर्म और इन रिक्रूटमेंट प्रोफाइल। जो टीम लीडर होते हैं एक टीम को हैंडल करते हैं एंड उनसे अब टारगेट्स भी अचीव करवाते हैं। ऑलरेडी रिक्रूटमेंट प्रोसेस से रिलेटेड टारगेट कैसे अचीव करना है, क्या सीक्रेट्स है एंड ऐसे बहुत सारे वीडियोस मैंने रिक्रूटमेंट से रिलेटेड अपलोड किए, उन सबका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेक कर लेना। आज की वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि टीम लीडर के क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं इन रिक्रूटमेंट फर्म एंड कैसे वो टारगेट्स अचीव करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को हिट कर देना फॉर द नोटिफिकेशन। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। टीम लीडर्स होते हैं ये पहले रिक्रूटर होते हैं, सीनियर कंसल्टेंट होते हैं या सीनियर रिक्रूटर होते हैं और फिर बाद में वो एक टीम लीडर बनते हैं। बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस, बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस उन्हें प्रमोशंस मिलते हैं एंड उन्हें टीम लीडर का डेजिग्नेशन भी मिलता है। तो जो टीम लीडर्स होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं इन टर्म्स ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस, रिक्रूटमेंट स्किल्स, जॉब पोर्टल्स पे उनके बहुत अच्छी एक्सपीरियंस होती है, एक्सपर्टाइज होते हैं, उन्हें सोशल मीडिया कैसे यूज करना है वो भी उन्हें पता होता है, टीम्स को कैसे हैंडल करना है, उन्हें कैसे मैनेज करना है वो भी उन्हें पता होता है। सो टीम लीडर को कुछ रिक्रूटर्स असाइन कर दिए जाते हैं या कुछ रिक्रूटर्स की जो टीम होती है वो उन्हें असाइन कर दिए जाते हैं, टीम को गाइड करते हैं कि रिक्रूटमेंट कैसे करना है, उन्हें हेल्प करते हैं टारगेट अचीव करने में। न्यू ज्वाइनर्स होते हैं वो टीम लीडर्स उन रिक्रूटर्स को अपनी टीम में वेलकम करते हैं, उन्हें गाइड करते हैं कि उन्हें प्रोफाइल कैसे सर्च करना है, नौकरी जॉब पोर्टल्स की ट्रेनिंग देते हैं, मॉन्स्टर जॉब पोर्टल्स की ट्रेनिंग देते हैं और अदर जॉब पोर्टल्स जो वो यूज करते हैं या जिसका उन्हें नॉलेज है वो भी उन्हें ट्रेन करते हैं, उसे बताते हैं कि कैसे उन्हें प्रोफाइल सर्च करना है, सोशल मीडिया कैसे यूज करने हैं, कैंडिडेट से कैसे बात करनी है, कैसे उन्हें कन्विंस करने हैं, क्या स्किल्स होते हैं, क्या कीवर्ड्स होते हैं जो कि उन्हें सर्च क्राइटेरिया में डालना है। बेस्ड ऑन द रिक्रूटर्स एक्सपीरियंस टीम लीडर ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा रिक्रूटर किस प्रोफाइल पे वर्क करेगा, टीम को प्रॉपर एक्सप्लेन करते हैं कि क्या कीवर्ड्स होने चाहिए, क्या क्राइटेरियाज है रिक्वायरमेंट के एंड उन्हें किस टाइप के प्रोफाइल्स रिक्रूट करने हैं। रिक्रूटर्स जब प्रोफाइल सर्च कर लेते हैं तो वो प्रोफाइल जो है वो अपनी टीम लीडर को टीएल को शेयर करते हैं, तो टीएल ये भी गाइड करती है कि उन्हें तरह से प्रोफाइल्स को सेव करना है, क्या फॉर्मेट होना चाहिए एंड किस तरह से कैंडिडेट के प्रोफाइल को फॉर्मेट करके सेव करके मेल बॉडी में क्या होना चाहिए एंड किस तरह से उसे टीएल को शेयर करना है, क्या इन्फॉर्मेशन हाईलाइट करने हैं एंड क्या इन्फॉर्मेशन एडिट करने हैं। ये सारे इन्फॉर्मेशन, सारी ट्रेनिंग टीम लीडर अपने टीम मेंबर्स को, रिक्रूटर्स को देते हैं। टीएल उन प्रोफाइल्स को स्क्रीन करते हैं एज पर जेडी, जो भी जेडी की रिक्वायरमेंट है बेस्ड ऑन दैट उस प्रोफाइल को स्क्रीन करते हैं एंड जो भी शॉर्टलिस्ट और रेलेवेंट प्रोफाइल्स होते हैं वही प्रोफाइल्स टीएल जो है क्लाइंट को या हायरिंग मैनेजर को शेयर करते हैं। टीएल जो है क्लाइंट से भी कोऑर्डिनेट करते हैं, हायरिंग मैनेजर से भी कोऑर्डिनेट करते हैं कि दैट दे हैव शेयर्ड सो एंड सो प्रोफाइल्स, अपने रिक्रूटर्स अपने टीम मेंबर्स को भी बताते हैं कि उन्हें किस कैंडिडेट को इंटरव्यूज के लिए लाइंड अप करने हैं, कब लाइंड अप करना है, उससे रिलेटेड जो भी ईमेल कम्युनिकेशन आता है वो ईमेल कम्युनिकेशन अपने टीम मेंबर अपने रिक्रूटमेंट टीम मेंबर्स के साथ शेयर करते हैं एंड उन्हें गाइड करते हैं कि क्या क्या इंस्ट्रक्शंस जो है कैंडिडेट को देनी है। इंटरव्यूज होने के बाद या किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन क्लाइंट से या हायरिंग मैनेजर से करना है तो टीम लीडर वो भी करते हैं। अगर सीवी के फीडबैक पेंडिंग है, शॉर्टलिस्टिंग फीडबैक पेंडिंग है तो वो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं शेयर करने के लिए और अगर किसी कैंडिडेट ने इंटरव्यू दे दिया है तो उसका फीडबैक क्या है उससे रिलेटेड कम्युनिकेट करते हैं। अगर कोई कैंडिडेट इंटरेस्टेड नहीं है या उसका सैलरी निगोशिएशन है या कोई क्वेरीज है तो वो भी टीम लीडर जो है क्लाइंट के साथ या हायरिंग मैनेजर के साथ कम्युनिकेट करते हैं एंड उन्हें कन्विंस करने का ट्राई करते हैं। टीम लीडर्स अपनी टीम से कम्युनिकेट करते हैं एंड उन्हें बार बार इंस्ट्रक्ट करते हैं, बताते हैं, गाइड करते हैं कि उन्हें अपना रिक्रूटमेंट ट्रैकर मेंटेन करना है, कितने कैंडिडेट्स के सीवी शेयर किए गए हैं, किसका क्या फीडबैक है, कितने रिजेक्ट हुए हैं, कितने बैकआउट हुए हैं एंड किन लोगों को ऑफर्स रिलीज हुए हैं। ईच एंड एवरीथिंग रिक्रूटमेंट ट्रैकर में प्रॉपरली करेक्टली मेंटेन हो वो उसका मेक श्योर करते हैं। टीम लीडर ये ट्राई करते हैं कि हर रिक्रूटर हर टीम मेंबर अपना टारगेट अचीव करे और अगर अचीव नहीं कर पाते तो उनसे कम्युनिकेट करते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं, उन्हें वो ऐसे रिक्वायरमेंट्स देते हैं जिसपे कि उनका प्रोफाइल जल्दी क्लोज हो, शॉर्टलिस्ट हो एंड पोजीशंस क्लोज हो।
इतना कुछ करने के बाद भी अगर कोई रिक्रूटर अपना टारगेट अचीव नहीं करता है तो उनसे पर्सनली कम्युनिकेट करते हैं, उन्हें ट्रेनिंग्स देते हैं एंड रूट कॉज जानते हैं कि आखिर वो क्यों रिक्रूटर अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाता है। अगर रिक्वायर्ड है तो उनसे उन्हें बार बार ट्रेनिंग्स दी जाती है, उन्हें गाइड किए जाते हैं, उन्हें प्रोफाइल्स भी सर्च करके दिए जाते हैं एंड उन्हें बताया जाता है कि किस तरह से कम्युनिकेट करना है। एवरी डे और वीकली अपनी टीम के साथ मीटिंग करते हैं, मीटिंग शेड्यूल करते हैं एंड उनसे मीटिंग में डिस्कस करते हैं कि वो क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं व्हाइल सर्चिंग द प्रोफाइल्स। कोई ऐसे प्रॉब्लम्स है जिससे कि उन्हें रिलेवेंट प्रोफाइल्स नहीं मिल पाते हैं या एनीथिंग रिलेटेड टू JD या कुछ भी ऐसे प्रॉब्लम्स है तो वो उनके साथ शेयर कर सकते हैं एंड उसका सोल्यूशन जो है टीम लीडर उनके देते हैं। आफ्टर ऑफिस आवर्स भी अगर किसी क्लाइंट या हायरिंग मैनेजर ने टीम लीडर को कॉन्टेक्ट किया है अबाउट द प्रोफाइल्स, अबाउट द फीडबैक, अबाउट कम्युनिकेशन विथ एनी ऑफ द कैंडिडेट, तो यहाँ पे टीम लीडर को ऑन द स्पॉट उससे रिप्लाई करना होता है, कम्युनिकेट करना होता है। टीम लीडर ये मेक श्योर करते हैं कि किसी भी टीम मेंबर का रिक्रूटर का परफॉर्मेंस डाउन ना हो, हर एक रिक्रूटर को इक्वली अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि अपना टारगेट वो अचीव करे एंड उनसे भी वैसे प्रोफाइल्स पे वर्क करने के लिए दिए जाते हैं जिससे कि उन्हें अंडरस्टैंडिंग, उन्हें समझने में एंड अपना काम, अपना टारगेट अचीव करने में आसानी हो। बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस टीम लीडर डिसाइड करते हैं कि उनकी टीम में कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा। टीम लीडर को भी टारगेट्स होते हैं, आइदर उसे अपना टारगेट खुद अचीव करना है या तो अपनी टीम से अचीव करना है। टीम लीडर को बहुत सारे कम्युनिकेशंस करने होते हैं जैसे हायरिंग मैनेजर से या क्लाइंट से, देन अपनी टीम से एंड देन अपने मैनेजर से। समटाइम्स टीम लीडर अपनी टीम के लिए भी फाइट करते हैं। अगर ऐसा होता है कि बार बार कोई कैंडिडेट्स बैकआउट होता है या क्लाइंट प्रॉपर रिस्पांस नहीं करता है या फीडबैक नहीं देता है, स्टिल उसकी पोजीशंस पे वर्क करना है एंड एट दी एंड कुछ भी मिलता नहीं है, कोई पोजीशंस क्लोज नहीं होते हैं, तो ऐसे केसेस में भी टीम लीडर अपनी टीम के लिए, अपने लिए अगेंस्ट द क्लाइंट भी फाइट करते हैं, हायरिंग मैनेजर से भी करते हैं एंड इसे सॉर्ट आउट करते हैं। टीम लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपनी टीम को बेस्ट बनाना है, इसलिए वो पूरा ट्राई करते हैं कि उनकी टीम का हर एक रिक्रूटर जो है अच्छा परफॉर्म करे, अपने टारगेट्स अचीव करे एंड उनकी टीम जो है बेस्ट टीम बने। तो अगर आपको भी टीम लीडर बनना है, आपको भी अपनी टीम बनानी है, रिक्रूटमेंट टीम बनानी है, तो आपको सबसे पहले तो उतना एक्सपर्टीज लेवल एक्सपीरियंस होना चाहिए, अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए अबाउट द पोर्टल्स, अबाउट द सोशल मीडिया एंड अबाउट द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। कम्युनिकेट कैसे करना है टीम्स के साथ, कैसे टारगेट्स अचीव करने हैं और भी रोल्स होते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन द कंपनी टू कंपनी और इट डिपेंड्स अपॉन द प्रोफाइल। तो ये है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ टीम लीडर। आई होप आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो और अगर आपके कोई भी सजेशन, कोई भी क्वेरी एंड कोई भी फीडबैक है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।